अस्सलाम वालेकुम। आयशा कुजीन में एक बार फिर से वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी पाए, तो चलें देखते हैं इनमें हमें किस चीज की जरूरत है। पाए हमें चाहिए दो बड़े साइज के बड़े पाए, दो बड़े साइज की प्याज चाहिए जो काट के हमने रख ली हैं, तीन दरमियाने साइज के हमें टमाटर चाहिए, इनको भी पीस बना के हमने रख लिया, इनको ग्राइंड करेंगे। मसालों में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्चें, 1 प्याली ऑयल, 2 टेबलस्पून लहसुन, 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें जो हम टमाटरों के साथ ग्राइंड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे रखते हैं हम पतीले को। पतीला हम लेंगे बड़े साइज का, क्योंकि हम पाए पतीले में बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। इसमें पहले ऐड करते हैं ऑयल को, इसके साथ ही हम प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को हम डार्क ब्राउन करेंगे। डार्क ब्राउन करके हम प्याज को निकाल लेंगे। प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे ब्लेंडर में डाल लेते हैं निकाल के। प्याज हमने ब्लेंडर में डाल लिया है, अब टमाटर भी ऐड करते हैं इसमें। इसके बाद हरी मिर्चें भी इसमें ऐड करते हैं और आधा कप पानी का डाल के इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। टमाटर और हरी मिर्चों को हमने ब्लेंड कर लिया, प्याज को भी। तो चलें अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। जिस ऑयल में से हमने प्याज निकाला है उसी में हम ऑयल ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा फ्राई किया, अब इसमें हम साथ ही ऐड कर देंगे पायों को। पायों को हम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से लहसुन अदरक में भूनेंगे। पायों को 5 मिनट हो चुके हैं लहसुन में भूनते हुए, अब इसमें हम मसालों को ऐड करेंगे और साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे। अब 5 मिनट के लिए पायों को अच्छी तरह भून लेंगे इस मसाले में। पायों को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम 4 से 5 लीटर पानी ऐड करेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो चूल्हे को हम कर देंगे आहिस्ता और ढककर 6 घंटे के लिए हम पकाएंगे पायों को। बीच में वक्फे वक्फे से आप इनको हिलाते रहें और देखते रहें, अगर पानी कम हो जाए, पाए अभी ना गले हो, तो पानी को हम और ऐड कर लेंगे। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं 6 घंटे के बाद। पाए तैयार हो चुके हैं, 5 घंटे लगे हैं इनको पकने में, बिल्कुल परफेक्ट बना है। शोरबा भी इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया और वक्फे वक्फे से हम इसको देखते रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून गरम मसाला और जीरा मिक्स। तो 5 मिनट के लिए इसको दम देते हैं, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। इनको हमने डिश आउट कर लिया है, बहुत ही मजेदार पाए बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।